अभी हम लोग हैं चौकोड़ी में, तो चौकोड़ी से हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, एक बहुत खूबसूरत माता जी का टेम्पल है, नाम है उसका कोटगाड़ी माता, न्याय की देवी या कोकिला माता भी उनको बोला जाता है। तो यहाँ से करीब डिस्टेंस 35 किलोमीटर होगी मंदिर की, और एक शॉर्ट रास्ता जाता है चौकोड़ी से डायरेक्ट, वो जाता है आपका कोटमन्या होते हुए। तो हम कोटमन्या होते हुए निकल रहे हैं फिलहाल चौकोड़ी की ओर को। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो कल मैंने आपको दिखाया था चौकोड़ी सीजन पिछले ब्लॉग में कि चौकोड़ी में क्या क्या चीज़ घूमने के लिए है, मतलब कौन कौन से प्लेस हैं घूमने के लिए। और आज हम लोग उसके फर्स्ट प्लेस पर जा रहे हैं जिसका नाम है माँ कोटगाड़ी का मंदिर। पीछे सनराइज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू था यहाँ चौकोड़ी से। तो माँ कोटगाड़ी के मंदिर या कोकिला देवी माता के मंदिर में जा रहे हैं, तो यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता पड़ता है हमको कोटमन्या होते हुए, तो हम उस वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। सभी लोगों को बोले आते वक्त, हम लोग बोले कि दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अभी जाते वक्त हम लोग इसी रास्ते जाएंगे, पूरा डाउन डाउन है पूरा मंदिर तक। तो पूरा देखते हैं चौकोड़ी से लेके कोटगाड़ी माता का मंदिर, और दर्शन कराते हैं आपको माता जी के इस ब्लॉग में। तो हम लोग पहुँच गए कोटमन्या से, कोटमन्या से हम लोग ये करेंगे शिफ्ट, ऐसे राइट हैंड को मुड़ जाएंगे, तो राइट हैंड को मुड़ के हमारा रोड चले जाएगी सीधे पाखू गांव को। पाखू गांव मतलब पवन पहाड़ी का गांव भी है, पप्पू कार्की का भी गांव है। यहां से ऊपर को रोड गई धर्मगढ़ को, और नीचे चले गई यहां से पाखू की ओर को। तो ये रोड थोड़ा ख़राब भी है, थोड़ा ठीक भी है, तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, लेकिन शॉर्ट रास्ता है तो यही वाला हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कोकिला का दरबार का रास्ता है, तो हम लोग पाखू की ओर, पाखू गांव मतलब पीछे रह गया है, अब हम जा रहे हैं माता कोकिला के रास्ते पे। अभी पूरे गांव है यहाँ, बड़े खूबसूरत खूबसूरत नीचे गेहूँ की खेती हुई है, ये अंकल लोग देखो कितने खुश हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ है नीचे का नज़ारा, बहुत खूबसूरती है, ये वैली है जो बहुत प्यारी प्यारी है। ये खूबसूरत रास्ता है, तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे माँ कोकिला के दरबार में। तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं माँ कोकिला के दरबार में। यह है माँ कोकिला का मेन द्वार, जहाँ से चप्पल जूते यहाँ पर उतारने, पहले ऊपर उतारते थे, अब यहाँ पर उतारने का हो गया, तो यहाँ पर बनाया हुआ है, तो चप्पल उतार दो यहीं। तो जब मैं पिछले बार आया था तो मंदिर में, मतलब उसके बाद से बहुत सारा काम हो गया है, तो हाँ तब ये घंटियाँ नहीं थी, और जूते उतारने की व्यवस्था भी ऊपर ही थी, नीचे नहीं थी। यहाँ पे आप आके स्नान भी कर सकते हैं मंदिर में, सब लोग मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं इन्हीं में आके नहाते हैं, इसमें थोड़ा पानी गर्म आता है, तो घंटियाँ भी सोने की बना दी हैं दियोस भाई, ये बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है फिर मंदिर आके? बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत अति उत्तम। तो यह है मंदिर का रास्ता, उन्होंने जूते ऊपर ही उतारे, ये सब नहाने के लिए बनाया हुआ, देखो पानी यहाँ आता है ऑलमोस्ट। Yeah.
हाँ यार लेते हैं आईफोन का प्रो करते हैं। तो ऐसे कुछ ये एप्लीकेशन लगी हुई है, देखिए जिनको न्याय नहीं मिलता वो अपने एप्लीकेशन यहाँ पे लगाता है। तो अभी कोई कोर्ट गाड़ी है तो जय माँ कोर्ट गाड़ी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए जय माँ कोर्ट गाड़ी। तो इसका एक बहुत फेमस गाना भी है, देवी भगवती मैया कुमोनी सॉन्ग है जो पप्पू गार्गी ने यहीं बैठ के गाया हुआ था। वो गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार सुनता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन लगी हुई है तो लोग अपना मतलब न्याय पाने के लिए भी इनके पास माधव जी के पास आते हैं। शेषनाग बहुत फेमस। तो ये हैं बाबा जी, बिल्कुल शेषनाग भगवान के पास में रहते हैं। तो ये कोटगाली मंदिर में है, इनका भी अभी एक यूट्यूब चैनल है तो उसके बारे में बाबा जी बता रहे हैं। हाँ, ये कालीनाग मंदिर हमारे द्वारा बनाया है। सभी माँ के भक्तों से हमारा निवेदन है जो कोटगाड़ी माता मंदिर में आते हैं, यहाँ पर श्रद्धा के साथ आएँ, भगवान की परिक्रमा करें, अंदर भगवान योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति है उसके दर्शन करें। यहाँ पर गलत फोटोग्राफी कोई भी ना करें, क्योंकि आप अगर सम्मान नहीं करेंगे भगवान का तो कौन करेगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे गलत फोटोग्राफी करते हैं, बच्चों को मंदिर के ऊपर बिठाकर और मंदिर के ऊपर चढ़कर, ऐसी फोटोग्राफी ना करें, यह अपराध धार्मिक अपराध है, ऐसा अपराध कोई भी ना करें। और आप सभी लोगों से इस YouTube चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि माँ कोकिला ब्लॉग से एक नया YouTube चैनल बनाया है, अगर आप लाइक करें उसे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी के लिए, माँ के चरणों में मंगलमय कामना। जय माता दी। जय माता दी। तो माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा को खिचड़ी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मतलब हम्मा कोकिला मंदिर से करीब आधा किलोमीटर दूरी पे ये भैरव बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पर आके भी आप दर्शक हैं तो आपके दर्शन होंगे पूरे। तो फिलहाल हम लोग बैठे हैं माँ कोकिला के दरबार में, तो हमको हुए दर्शन भैरव शरीर से, क्योंकि आज भीड़ थोड़ी अभी कम है। हम लोग सुबह जल्दी आ गए तो 9:30 बजे पहुँच गए थे, तो दर्शन हो गए अच्छे। तो माँ कोटगाड़ी जो मंदिर है ये बहुत पौराणिक मंदिर है और यहाँ आके आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है और आपके साथ जरूर होगा। और भाई साहब के साथ भी हुआ है, ये भी कामना करके गए थे, इनकी भी कामना पूर्ति हुई, इनकी सरकारी नौकरी लगी है। क्यों? बिल्कुल इनकी सरकारी नौकरी लगी। और मैं मतलब आज से 2-3 साल पहले एक नई नौकरी की खोज में जब ढूंढ रहा था तो मेरे को भी मतलब तत्काल फल में थल पहुँचते पहुँचते मिल गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा मान्यता है। तो इसलिए एक श्रद्धा जुड़ी रहती है माता जी के साथ, तो माता जी हमारी रक्षा करती है हर जगह पर, हमको अपने रोग शोक से बचा के रखती है। तो ये जो माता जी का मंदिर है वो उसे कोकिला माता भी बोलते हैं या कोट बोलते हैं, कोट गाड़ी मंदिर बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो किसी का अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो लोग यहाँ एप्लीकेशन ला के अपने न्याय की गुहार भी माता जी से करते हैं, उनको यहाँ से न्याय मिलता है। तो ऐसी कुछ मान्यता है इस मंदिर की, तो आप ज़रूर आइएगा। पाखू गाँव में स्थित है ये मंदिर माँ कोटगाड़ी का, और थल से करीब 20 किलोमीटर दूर है और बेरीनाग से करीब 35 किलोमीटर दूर मंदिर की डिस्टेंस है, और हल्द्वानी से ऑलमोस्ट करीब आपको ये 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ेगा। तो आप आ सकते हैं आसानी से इस मंदिर पे और आइए माता जी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लेके जाइए। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।